हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8वीं गणित की प्रश्नावली 9.1 का चौथा सवाल। पहले तीन सवाल मेरे पहले वीडियो में आप कर चुके हैं, तो चौथा सवाल है उसको पूरा करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है ए, 12a + 9ab जमा 5b - 3 में से 4a - 7ab जमा 3b - 12 को घटाइए। तो ये जो प्रश्न संख्या 4 है, इसके अंदर तीन पार्ट है और तीनों पार्टों के अंदर हमें संख्याओं को, जो बीजीय व्यंजक दिए हुए, उनको आपस में घटाना है, घटा करनी है तीनों ही पार्ट के अंदर। तो बारी बारी से इनको हम एक एक करके बड़े अच्छे से सॉल्व करते हैं ध्यान से। तो आइए शुरू करते हैं। ए पार्ट को हल करते हैं। 12a - 9ab जमा 5b - 3 में से 4a - 7ab जमा 3b - 12 को घटाइए। इसमें से हमें इसको घटाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 12a - 9ab जमा 5b - 3। इसमें से हमें घटाना है, घटा का निशान, इसको पूरे को 4a - 7ab जमा 3b - 12, इसे घटाना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 12a - 9ab जमा 5b - 3। इसको हमने ऐसे कैसा लिख लिया। अब इसमें हम बदलेंगे, इसके अंदर बदलाव करेंगे। क्या बाहर क्या है घटा का निशान, तो अंदर के जितने भी निशान हैं सारे बदल जाएंगे। ये नियम होता घटा का, ब्रैकेट से बाहर अगर घटा का निशान है तो अंदर के सारे निशान, सारे चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। जमा घटा हो जाएगा, घटा जमा, 4a घटा का हो जाएगा, 7ab जमा हो जाएगा, 3b घटा का हो जाएगा और 12b घटा का हो जाएगा। आगे हल करते हैं इसको। 12a, अब एक समान पदों को हम ढूंढेंगे। 12a एक 4a, 12a जमा का है, 4a घटा का है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं पहले हम। 12a - 4a, फिर लेते हैं b वाले पद, 5b और घटा का 3b। फिर हम लेते हैं ए बी वाले पद, घटा के 9ab और जमा का 7ab। फिर हम लेते हैं अचर राशियों को, घटा का 3 और घटा के 12। हमने सभी पदों को, एक समान पदों को इकट्ठा कर लिया। अब देखिए कि 12a - 4a, 12a में से गया 4a, बचेगा हमारे पास जमा का 8a। 5b में से गया 3b, बचेगा जमा का 2b। घटा के 9ab में से गया जमा का 7ab, तो यहाँ बचेगा 2ab घटा के 7। देखो 9 में से 7 गए 2, अब यहाँ पर 9 का निशान है घटा का, तो घटा का बचेगा। आगे फिर घटा का 3 घटा के 12, दोनों ही घटा हैं, तो दोनों ही राशि जब समान हों, घटा की हों, समान चिन्ह वाली हों, यानी घटा की हों, तो वहाँ पर जुड़ जाएगा। दोनों घटा हैं तो भी जुड़ेंगे, तो 12 और 3 15 हो जाएगा और निशान आएगा घटा का, घटा के 15। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट के अंदर है 5xy - 2yz - 2zx जमा 10xyz। इसमें से हमें घटाना है 3xy - 5yz - 7zx को। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास होगा 5xy - 2yz - 2zx जमा 10xyz। अब इसमें से घटाना इसको है, तो इसके सारे निशान बदल देंगे। 3xy घटा हो जाएगा, 5yz भी घटा का हो जाएगा और 7zx है वो जमा का हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे हम। देखो समान पदों को हमें इकट्ठा करना है, तो पहले हम देते हैं सबसे पहले xy वाले को, तो 5xy, xy का पद हमारे पास एक है 3xy घटा का, उसको इकट्ठा कर लिया। तो उसके बाद हमारे पास है yz घटा के 2yz, दूसरा पद हमारे पास है घटा के 5yz। फिर लेते हैं हम zx वाले पद को, 2zx घटा का है और यहाँ पर हमारे पास 7zx जमा का है। इसके बाद हम लेते हैं, हमारे पास बच गया सिर्फ xyz वाला पद, 10xyz। अब इसको जोड़ेंगे हम आगे, 5xy
अब आगे इसको हल करेंगे हम। 5xy में से गया 3xy, तो हमारे पास बचेगा जमा का 2xy, फिर हमारे पास yz घटा का 2 और घटा के 5yz, घटा के 2yz और घटा के 5yz, दोनों घटा के तो जुड़ जाएंगे, घटा के 7yz, फिर हमारे पास है जेड एक्स घटा का 2 और जेड एक्स जमा के 7, तो एक जमा है एक घटा है, तो भी यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। 7 में से गया 2, जमा के 5zx, और जमा में क्या बच गया लास्ट में, 10xyz। तो बच्चों जहाँ पर दोनों ही घटा के हों तो वहाँ पर जुड़ते हैं, जहाँ पर दोनों जमा हो तो वहाँ भी जुड़ेंगे, जहाँ पर एक जमा हो और एक घटा हो तो घटेंगे। इसका सी पार्ट है 18 घटा 3 पी घटा 11 क्यू जमा 5 पी क्यू घटा 2 पी क्यू की 2 जमा 5 पी की 2 क्यू में से घटाना है हमें 4 पी की 2 क्यू घटा 3 पी क्यू जमा 5 पी क्यू की 2 घटा 8 पी जमा 7 क्यू घटा 10, इसमें से हमें इसको घटाना है। तो आइए इसको हल करते हैं। 18 घटा 3 पी घटा 11 क्यू जमा 5 पी क्यू घटा 2 पी क्यू की 2 जमा 5 पी की 2 क्यू। थोड़ी सी बड़ी संख्या है लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसको हम बड़ी आसानी से हल करेंगे एक एक स्टेप से। घटा, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ही इसको घटाना है, तो ये सारे हैं जो इन सब के मान क्या हो जाएंगे, जो अंदर हैं ये सब, तब हमारे पास जो अंदर ये जो पड़े हैं इन सब के चिन्ह क्या हैं, बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, घटा का निशान, तो ये पहले वाला घटा का हो जाएगा 4p की 2q, ये जमा हो जाएगा जमा 3p क्यू, फिर ये घटा हो जाएगा 5p क्यू की 2, ये फिर घटा में से जमा हो जाएगा 8p, ये घटा हो जाएगा 7q, और ये हो जाएगा जमा। सब के चिन्ह है वो बदल जाएंगे क्योंकि बाहर है वो घटा का निशान है। अब यहाँ पर हम पदों को इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले 18 इसको ले लेते हैं हम, अचर राशियों को। 18 है हमारे पास और एक हमारे पास 10 है जमा का। इसके बाद हम लेते हैं पी वाली राशि, पी चर वाली, घटा 3 पी और हमारे पास है 8 पी जमा का। समान पदों को भी इकट्ठा कर लेंगे। फिर हमारे पास है 11 क्यू घटा, क्यू वाली लेते हैं, एक हमारे पास है 7 क्यू घटा का। फिर हम लेते हैं पी क्यू को, पी क्यू वाले पदों को, 5 पी क्यू जमा हमारे पास यहाँ पर है 3 पी क्यू। फिर हम लेते हैं पी क्यू की 2 वाले पदों को, घटा 2 पी क्यू की 2 और हमारे पास है 5, घटा के 5 पी क्यू की 2 और हमारे पास पद रह गया अब पी की 2 क्यू वाले, तो जमा 5 पी की 2 क्यू और घटा 4 पी की 2 क्यू। ज़्यादा पद है यहाँ पर कोई रह ना जाए इसलिए मैं काउंट कर लेते हैं इनको। ऊपर हमारे पास थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे हम लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पूरे पद हमारे पास। आगे हम हल करते हैं इसको। 18 जमा 10 ये हो जाएगा 28। अब यहाँ पर देखिए 3 पी घटा का है, 8 पी जमा का है, तो जमा के 5 पी। इसके बाद 11 क्यू घटा और 7 क्यू भी घटा, तो घटा के 11 और 7 18 क्यू। आगे 5 पी क्यू जमा का और 3 पी क्यू भी जमा का, जुड़ जाएंगे 8 पी क्यू। फिर है घटा के 2 पी क्यू की 2 घटा 5 पी क्यू की 2, तो घटा के 7, दोनों घटा जुड़ेंगे पी क्यू की 2। इसके बाद है 5 पी की 2 क्यू जमा का, 4 पी की 2 क्यू घटा का, एक जमा एक घटा तो घटेंगे 1 पी की 2 क्यू बचेगा जमा का।
क्यों? क्योंकि यहां पर ये पांच जमा का है, चार घटा का है, तो पांच में से चार गया एक जमा का, क्योंकि जमा वाला बड़ा है।